थोड़ी देर के लिए भी अगर मन रुक गया तो समझ लो कि उसी में काम हो जाएगा। पल में परले होते, पल भर में लय हो जाओ। पल किसको कहते हैं? समय के सबसे छोटे माप को पल कहते हैं। इधर से ध्यान हटाया, उधर लगा दिया, बस इतने में ही काम हो जाता है। अष्टावक्र गुरु थे, किसके? राजा जनक के। अंगों से टेढ़े थे, उनको देख करके लोग हंसे, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने हमको नहीं देखा, हमारे शरीर को तुमने देखा। इतने में ही राजा जनक ने सोचा, भाई बड़े विद्वान है, जानकार तो हैं, ऐसी बात बोले। बोले, हम आपको मान लेंगे गुरु अपना, लेकिन घोड़े के रकाब पर पैर रखते रखते मेरी दिव्य दृष्टि आप खोल दो। तब उन्होंने कहा, दक्षिणा राजा देना पड़ेगा। बोले, दूंगा जो मेरे पास है। बोले, तू अपना तन मन धन मुझे दे दे। राजा ने कहा, भाई सब कुछ तो मांग लिया, सब मांग लिया, रह क्या गया मेरे पास। लेकिन फिर सोचे, कोई बड़ी चीज पाने के लिए तो छोटी चीज की कुर्बानी करनी ही पड़ती है। बोले, दे दिया। अब कहा, दे दिया तो तुम जितने लोग हैं यहां बैठे हुए सबका जूता उतारो और बांधो अपने सिर पर रख करके जाओ, घूम करके आओ। अब एक राजा का प्रजा का जूता उतारना और अपने सिर पर रख करके और शहर में घूम करके आना कोई मामूली बात है? लेकिन छोटा बन गए, अहंकार खत्म हो गया। वहीं पर गुरु के आदेश का जब पालन किया तो अहंकार खत्म हो गया और गुरु की मौज में गए, घूम करके आए। लेकिन जब बैठे तो लोग देखने लगे, ऐसे कोई मजाक के रूप में देख रहा है, कोई आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। बोले, आंख बंद कर लो, राजा ने कहा, आंख बंद कर लो, देखो ही नहीं कौन क्या कह रहा है, किस तरह सोच रहा है। लेकिन आंख बंद किया तो भी मन नहीं रुका, कहां चला गया? कह रहे हैं कि राज भी सब ऋषि का हो गया, हाथी घोड़े सब ऋषि के हो गए, ये भी बच्चे भी मेरे नहीं रहे। जब हमने सब कुछ दे दिया तब दाता ऋषि ने, अरे राजा, जब तूने तन दे दिया, मन दे दिया, तूने जब तन दे दिया और धन दे दिया तो तू मन को क्यों उधर ले जा रहा है? मन को मेरी तरफ लगा, देखे मेरी तरफ, पर जैसे आंखों में देखे तो कहा गया, तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है, जैसे देखा आंखों में तो वजह दे दिया और तो दे दिया तो निकल गए। ऊपरी लोकों में घूम रहे, आनंद ले रहे और ऋषि कह रहे, लौटा, कह रहे अब नहीं आऊंगा, अब वहां गंदगी में नहीं आऊंगा, यहाँ बहुत आनंद है, बड़ा सुख है, अब हमको मत बुलाओ। ऋषि ने सोचा, भाई अभी तो ये सब चढ़ बैठेंगे हमारे ऊपर, प्रजा कहेगी राजा को मार दिया, लड़के बच्चे कहेंगे राजा के हमारे राजा को मार दिया। तो कहा गया ना कि रिमोट जिसके हाथ में होता है वो जो चाहता है वो करता देखता है, पतंग जिसके हाथ में होता है जिधर चाहता है उधर ले जाता है। बस पतंग के जैसे डोर ढीली कर दी जाती है नीचे गिर जाती है, ऐसे ही ढीला किया बस आ गए। अब देख रहे हैं यहाँ है कि वहां है, कहाँ है। तब बोले, राजा अब तेरा तन मन धन सब तुझको वापस करता हूँ, संत न भूखा तेरे धन का और उसके तो धन है नाम रतन का, पर तेरे धन से कुछ काम कराऊ, भूखे धूखे को खिलवाऊ, लेकिन अब हमको कुछ नहीं करना है, अब तुझको सब देता हूँ वापस जो तूने मुझे दान में दिया था प्रसाद रूप में, अब जा तू राज भी कर और आनंद भी ले। तो देर नहीं लगती।